नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, 4/2. 4 मीन्स डिविडेंड के अमाउंट, डिविडेंड का जो नंबर है उसमें 4 डिजिट्स हैं, ठीक है. 2 मीन्स डिवाइजर, डिवाइजर की जो अमाउंट है, जो नंबर है वो 2 डिजिट्स पे होंगी, ठीक है. तो यहाँ चेक करें, आपके पास डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट्स हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भी 69 2 डिजिट्स है. 69 इज़ ग्रेटर दैन 34. हमारे पास यहाँ पर जो 69 2 डिजिट्स हैं वो 34 से बड़े हैं. अगर छोटे होते तो हम नेक्स्ट डिजिट को कैरी कर लेते. स्टूडेंट्स, अब हम लोग 34 का टेबल हमें नहीं आता, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 34 वन ज़ा तो ऑफकोर्स 31 होगा. अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है. 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6. अब स्टूडेंट यहाँ चेक करें, आपके पास क्या अमाउंट है, क्या डिजिट्स हैं, 69. हमारे पास जो नंबर है वो 69 है और ये 68 है. जब आप 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 68. जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, 69 में से जब आप 68 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1. अब स्टूडेंट चेक करेंगे, यहाँ पर जस्ट हमारे पास 1 है. 1 जो है वो 34 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम इसको नेक्स्ट डिजिट यहाँ से ले लेंगे और इसको बना लेंगे. ये बन जाएगा हमारे पास 11. अब आप चेक करें, 11 इज़ आल्सो स्मॉलर देन 34. 11 से जो है वो 34 से, अब 11 जो है वो भी 34 से छोटा है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी टेक आल्सो नेक्स्ट कैरी, नेक्स्ट डिजिट को कैरी करेंगे, ठीक है. तो इस 4 को भी हम नीचे लेकर आएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 114. 114 इज ग्रेटर देन 34. अब ये जो अमाउंट है, जो हमारे पास ये डिविडेंड की अमाउंट है, वो 34 से बड़ी है. अब हम 34 को मल्टीप्लाई करेंगे. ऑफकोर्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 68 आया, ठीक है. अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी. 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10. हमारे पास ये अमाउंट 102 है और ये 114 है, ठीक है. तो हम अब इसको 3 से, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ये जो जब 2 डिजिट्स एक साथ हम कैरी करते हैं, अब देखें जब 1 भी मैंने आप इसी स्टेप में नीचे लेकर आई हूँ, 4 भी इसी स्टेप में नीचे लेकर आई. तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स, अब हम 2 डिजिट जब आप एक साथ नीचे कैरी करते हैं तो आप यहाँ पर 0 लगाते हैं, ठीक है. ये आपके टेंथ के अमाउंट नीचे आई है, तो आपने इसको टेंथ की फॉर्म में बना लिया 20, ठीक है. अब 34 का जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर आया है 102, ठीक है. 114 में से 102 को आप माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2. 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1. 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑफकोर्स आता है 0. तो ये जो अमाउंट है हमारे पास वो है 12. 12 हमारे पास कौन सी अमाउंट है, रिमाइंडर, जो बच गई है, ठीक है स्टूडेंट्स. और जो हमारे पास ऊपर आया है 203, इसको बोलेंगे क्वेश्चन. और जो अमाउंट जिसको हमने डिवाइड किया वो है डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया है उसको बोलेंगे डिवाइजर. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज जियोमेट्री. इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स, जियो एंड मेट्री. जियो मीन इन इंग्लिश इज अर्थ. जियो का मतलब है अर्थ, ज़मीन. मैट्री मीन मेजरमेंट. अर्थ जियो मीन अर्थ एंड मैट्री मीन मेजरमेंट. जियोमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ज़मीन की हम मेजरमेंट इसमें करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसकी बेसिक में आप लोगों को बताऊंगी कि जियोमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक्स. अब हम लोग टॉपिक स्टेप स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आज हम बेसिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग इज पॉइंट. फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है पॉइंट. और डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट. डॉट मीन हम लोगों ने ये एक नुक्ता लगाना है. इंग्लिश में हम नुक्ता, ठीक है, एक नुक्ते को हम क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं. और मैथ्स में हम इसको पॉइंट बोलते हैं. ये जो डिफरेंट मैं एक लगा रही पॉइंट, इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है. ये डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं. इंग्लिश में हम उसको डॉट बोलेंगे और मैथ्स में हम उसको पॉइंट बोलेंगे. ये डिफरेंट मैंने आपके सामने एक पॉइंट लगा दिए. नेक्स्ट इज लाइन. लाइन, ठीक है. सेट ऑफ कंजेक्टिव पॉइंट्स मेक्स अ लाइन. स्टूडेंट कंजेक्टिव मीन्स एक साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है. ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने दो डॉट्स लगाए हैं. अब ये दो आपस में जुड़े नहीं हुए, ठीक है. इनमें डिस्टेंस है. जब हम इन दोनों को आपस में यूँ साथ साथ जोड़ते जाएंगे, ठीक है, तो इनमें कोई, आप देखें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फासला नहीं है, ठीक है. ये हमारे पास, अब मैं इसको और मज़ीद लगाती जाऊँगी, ये सारे आप लोगों के पास क्या बनते जाएंगे, ये सारे डॉट्स एक लाइन बनती जाएगी. इट कैन बी एक्सटेंडेड
इसको हम फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे भी मैं लगा सकती हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट मैं यहाँ पर डॉट्स लगा सकती इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक लाइन बनती जाएगी, इसको दोनों साइड पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लाइन जो है वो दोनों साइड पर मूव करेगी, इस साइड पर भी मूव कर सकती है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, दोनों साइड पर ये मूव कर सकती है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का हिस्सा, ठीक है। सेगमेंट का एक्चुअली मीनिंग भी होता है पीस, टुकड़ा, हमारे पास सेगमेंट में लाइन का टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पीस, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते फ्रॉम एनी साइड। अब लोग ये चेक करें, मैं एक लाइन लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये दोनों साइड पर क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक और भी तरीके से बताती हूँ। आप लोगों के पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है जो दोनों साइड पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये दोनों साइड पर मूव कर रही है। अब इसमें से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इतना पीस आप लोग इसको ले लें, ठीक है। तो ये जो ए एंड बी, ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों के पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। मैं अब ये एक लाइन थी हमारे पास, उसमें से हम लोगों ने कितना पीस लिया, पार्ट ए एंड बी, ये एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने लिया, ये पार्ट ऑफ लाइन है, ठीक है, एक लाइन का पार्ट हमने उठा लिया है। और इसको दोनों साइड पर हम लोग नहीं बढ़ा, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, ये दोनों साइड पर यहाँ तक फिक्स है। अब हम लोग रे के बारे में पढ़ेंगे, रे, रे आप लोग स्टूडेंट जब आप लोग देखते हैं, सूरज देखते हैं, उसमें से रेज निकलती हैं, ठीक है, थीके? तो रे हमारे पास क्या चीज़ होती है, और रे इज़ फिक्स्ड, फिक्स होती है फ्रॉम वन एंड। सूरज जब आप लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या, उसकी यहाँ ऐसे हमारे पास रेज निकलती जाती हैं, तो ये हमारे पास एक साइड पर एक्सटेंड करती हैं, एक साइड पर मूव करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी रेज होंगी, इट ए रे इज फिक्स फ्रॉम वन एंड, एक साइड से ये फिक्स होती है, ठीक है। अब ये इस साइड, अब स्टूडेंट यहाँ चेक करें आप लोग, रे जो हमारे पास होती है फिक्स होती है फ्रॉम वन एंड, ठीक है। आप लोग ये चेक करें, हमारे पास सन एक यहाँ से एक साइड से फिक्स है और एक साइड से एक्सटेंड कर रही है। अब स्टूडेंट आप लोग चेक करें तो सन हमारे पास क्या होता है, वो एक साइड एक जगह पे फिक्स होता है, सन इज फिक्स फॉर्म, और रेज हमारे पास यहाँ एक साइड से फिक्स है और एक साइड पर हमारे पास ये मूव करती जाएंगी, ये इस साइड पर एक्सटेंड कर दी जाएंगी। तो हम लोग ये क्या कहते हैं कि ये एक साइड पर फिक्स है और एक साइड से एक्सटेंड और एक साइड से ये मूव कर सकती है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर, ये दूसरी साइड पर एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब रेज चेक करें तो एक साइड से ये फिक्स है, लाइन सेगमेंट दोनों साइड से फिक्स होती है, और लाइन जो होती है, जो लाइन होती है वो दोनों साइड पर मूव कर सकती है, दोनों साइड से फिक्स नहीं होती। हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल मीन स्लीपिंग, हॉरिजेंटल का मतलब है स्लीपिंग लाइन, हम इसको लेइंग लाइंस भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपिंग और लेइंग लाइंस, इसलिए बोलते हैं कि ये लेटी हुई होती हैं। स्लीपिंग लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइंस, इसको हम लोग डिफरेंट डॉट्स के लगा सकते हैं, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, रे डिफरेंट पॉइंट्स के में भी हो सकते हैं, रे में भी हो सकते हैं, और लाइन की सूरत में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये स्लीपिंग लाइंस या लेइंग लाइंस जो भी होंगी, डॉट्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, रे की फॉर्म में भी हो सकती है, और लाइन की फॉर्म में भी हो सकती है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मीन जो स्टैंड होता है, जो कॉलम की सूरत में होता है, स्टैंडिंग लाइंस और जो कॉलम की सूरत में होंगे आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस।